हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के हम बेसिक और एडवांस मेथड के बारे में जानेंगे हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मुझे फिलहाल कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पेस्ट स्पेशल की ऑनलाइन लाइव क्लास से। तो आज की हमारे जो टॉपिक है वो है पेस्ट स्पेशल की। हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर चुके हैं कुछ लोग और हम बात कर रहे हैं आज पेस्ट स्पेशल। देखिए, कॉपी एंड पेस्ट तुम करते हैं, हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और जहां पेस्ट करना है हमने वहां पे पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पेस्ट स्पेशल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जहां से हमने कॉपी किया है उसका कुछ पार्ट को पेस्ट करना है, पूरी की पूरी जो डेटा है, क्योंकि हर डेटा के कई फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मूला, कंटेंट, फॉर्मेटिंग, रो की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग, ऐसे कुछ चीजें होती है। तो पेस्ट स्पेशल हमें एक परमिशन देता है कि हम इसमें से कुछ पार्ट को पेस्ट करें। तो हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल लगे। देखिए, फर्स्ट मेनू बार का आपका पहला टॉपिक क्लिपबोर्ड चल रहा है पेस्ट स्पेशल। इसमें हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आप दिख रहे ऑल, ऑल मतलब जैसा हमने कॉपी किया वैसा ही पेस्ट होगा। तो इसमें आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब जो फॉर्मूला है वो पेस्ट करेगा। अब देखो, आपने देखा है नंबर चेंज हुआ, नंबर चेंज इसलिए हुआ कि यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है जो हर बार हमें रैंडम नंबर देता है, तो इस नंबर को इग्नोर कीजिए आप। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। और ये जो हमने पेस्ट किया तो पेस्ट जो फॉर्मूला से फॉर्मूला पेस्ट किया। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर यहां नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो उसको पेस्ट किया इसको इसको इसका जवाब ये है कि आपका जो ये डेटा है, डेटा के जो मेनू बार्स हैं, सॉरी फॉर्मूला बार्स हैं, फॉर्मूला बार में जो विजिबल है उसको पेस्ट करता है, चाहे वो फॉर्मूला हो या नंबर हो या टेक्स्ट हो, जैसा वैसा पेस्ट कर देगा। तो पेस्ट जो फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में उसको पेस्ट करता है। अब अगली टॉपिक है पेस्ट एज ए वैल्यू। आप लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते होंगे। पेस्ट एज ए वैल्यू का मतलब होता है कि फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करना, जो फॉर्मूला है उसको रिमूव कर दिया और फिर पेस्ट किया, मतलब जो भी रिजल्ट है वही पेस्ट हुआ। जी हाँ, जो कंटेंट दिख रहा है वो पेस्ट होगा। अब यहाँ पे चीज और आता है, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मतलब हमने कॉपी करके डिफरेंट लोकेशन में तो पेस्ट करते ही है ना, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं सेम लोकेशन पे फॉर्मूला को रिमूव करना चाहता हूं कि फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाए। तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे, तो इसकी फॉर्मूला रिमूव कर देगा। देखिए, 28 का फॉर्मूला रिमूव कर दिया और ये बहुत यूजफुल कमांड है। आप बोलेंगे क्यों, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैं छोटा सा डेटा डैशबोर्ड या कोई रिपोर्ट में लेता हूं। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं जाहिर सी बात है उसमें कुछ फॉर्मूले भी आप लगाते होंगे, तो आपका रिपोर्ट आपके फॉर्मूला से भी कनेक्टेड होगा क्या? जैसे ये रिपोर्ट को ही देख लीजिए, ये फॉर्मूला से कनेक्टेड है ना, या फिर यहां देखिए यहां भी फॉर्मूला है। तो होता क्या है कि हमारा इस डेटा सीट से कनेक्टेड होता है, यानी मैं एक काम करता हूं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। तो आप जब किसी को रिपोर्ट आप भेजोगे तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसी को ना जाए, जैसे ये सामने आपके सामने तो जो रिपोर्ट बनी है ये रिपोर्ट इसने बनी है इस डेटा से, ठीक है। अब मुझे अगर ये रिपोर्ट मैंने आपको भेजी, बहुत सारे डेटा और बहुत सारे फॉर्मूला से कनेक्टेड है ना सर,
तो मुझे इस डेटा को भी आपको भेजना पड़ेगा, बट डेटा मैं भेजना नहीं चाहता हूँ। डेटा ना भेजने के पीछे रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मलीज लगे हुए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आपका फाइल काफी लेंदी हो जाएगा, मतलब काफी बड़ा है, बहुत बड़ा डेटा है, मेल पे अटैचमेंट नहीं होगा, या आपका डेटा सिक्योर है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बस समरी और रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो आप डैशबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करें और यहां मूव एंड कॉपी करें, और यहां पे आप करें न्यू वर्कबुक। याद रखिएगा यहां क्रिएट कॉपी पे जरूर क्लिक कीजिएगा। जब क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट आपको एक अलग फाइल में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, हो गया। अब मैं यहां वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है इस पे क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा, तो सारे फॉर्मूला रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इस फाइल में पासवर्ड लगा के किसी को आसानी से, सॉरी माफ कीजिएगा, इस फाइल को सेव करके और किसी को इजीली भेज सकता हूं। तो पेस्ट एज ए वैल्यू का यूज हम लोग इस तरह की रिपोर्ट्स को भेजने के लिए भी करते हैं। समझ में आया कि नहीं सर आप लोगों को? हम लोग पहले क्या करते थे, इसको कॉपी करके एक वर्ड में पीडीएफ बना के फिर भेजते थे, वो भी एक ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि हमने एरिया को कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, हम इस पे मान लीजिए कि हम कॉलम की यहाँ फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। या फिर इसमें एक और आता है आपका कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? किसी भी सेल्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पे किया न्यू कमेंट, और यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए कि दिस इज फाइनल मार्क्स, और इसको क्लिक कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करके इजिली से कहीं पेस्ट करूंगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसको हम कमेंट करेंगे, सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा, बाकी डेटा वगैरह पेस्ट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और आती है, एक चीज समझिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा के कॉलम विड्थ को अपने हिसाब से रीसेट कर लेते हैं। रीसेट क्यों करते हैं? जैसे अभी आपने डैशबोर्ड ही देखा, तो पूरी डैशबोर्ड एक व्यू में दिखे या एक पेज में प्रिंट हो, उस हिसाब से हम डेटा को कॉलम को उसके डेटा के हिसाब से रिसाइज कर लेते हैं। पर आप अगर इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल, मैं कहीं भी इसको पेस्ट करता हूं, तो हमारा कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता है। तो कॉलम विड्थ के लिए हम पेस्ट स्पेशल में यहां कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करता है, आपके डेटा को नहीं। डेटा के नॉर्मल पेस्ट करें या फिर राइट क्लिक करें और ये जो आइकन होते हैं ना, आइकन में आपको ये आइकन दिखेगा, इसमें कीप सोर्स कॉलम विड्थ से क्लिक करेंगे तो आपका डेटा और कॉलम विड्थ एक साथ ही होगा। किसका इस्तेमाल करते हैं? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर कमेंट वाले आपने जो किया उसमें कई सारे कमेंट आ गए थे, एक ही कमेंट किया था मैंने, सिलेक्शन कर लिया था ना कई सारे सेल्स। सर अगर मैं कॉलम विड्थ चूज कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली ऑल ही पेस्ट होगा एज अ ऑल, मतलब इंक्लूडिंग फॉर्मूला और सब कुछ पेस्ट। जी हाँ, जब इसे राइट क्लिक किया आपने यहाँ पे, अगर पहले वैल्यू कर दीजिए फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ कर दीजिए। अगर आप इसमें चूज करते हैं ना, सॉरी आइकन चूज करते हैं तो आपको ऑल होगा। ओके 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 सर। अच्छा आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके पास डेटा में डेट भी होता है ना, तो आपने कभी गौर किया है जब किसी डेट को आप पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो तो एक तरह का नंबर हो जाता है। 90 से कितने दिन है?
ये पता है नंबर क्या होता है? 1990 से अभी तक कितना उसका डेट क्या है, उसका नंबर डेज कितने? जी हाँ, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज बताता है कि कंप्यूटर कैलेंडर से लेके अभी तक का कितना नंबर ऑफ डेज हुआ, ठीक है? मैं तो इसको साबित कैसे करेंगे? आपने तो बोल दिया, तो हाउ कैन प्रूव? सर जनरल में जाके मतलब डेट डेट का वो कर देंगे उससे? नहीं नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा और इसको मैंने जनरल कर दिया, पेज से जो वैल्यू कर दिया, ये नंबर बन गया। अभी अभी संजय जी ने बोला कि ए है नंबर ऑफ डेज जब से कंप्यूटर कैलेंडर मतलब स्टार्ट हुआ तब से, बट हाउ कैन प्रूफ? अब किसी ने मान लीजिए प्रवीण जी बोल दिए, नहीं नहीं यार आप ऐसी मन से बोल रहे हो, ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो क्या करेंगे? हालांकि प्रवीण जैसा बोले, प्रवीण जैसा बोलेंगे नहीं तो क्या पता बोल भी सकते क्या? प्रवीण जी बोलेंगे क्या आप? प्रवीण जी कुछ बोलेंगे ही नहीं पूरे प्रवीण जी कुछ बोलेंगे ही नहीं कैसे करेंगे साबित? चलिए मैं आपको जो है सोचने के लिए 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, सोचिए। तो इसको साबित करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, वन लिखेंगे और वन के ऊपर हम अपना डेट का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा फर्स्ट जैन 1900। मतलब कि अगर हम 1900 से पहले की डेट डालते हैं तो वो डेट को एज ए डेट काउंट नहीं करेगा, पहले थी। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे 32, मतलब कि 32 डाला तो ये हो जाएगा, आप देखिए मंथ को चेंज कर दिया, मैं 31 के बाद महीना चेंज हो गया, ऐसे 368 कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, 365 या 66 जो भी हो उसके बाद उसने ईयर चेंज कर दिया। ऐसे में 44020 डाल दिया तो ये क्या हो गया, हमारी डेट आ गई। तो इससे प्रूफ हो गया ना कि नंबर ऑफ डेज है। हालांकि प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, बट क्या है ना कि सर कभी कभी जब इंटरव्यू देने जाते हैं और मेरे जैसा इंटरव्यू मिल जाता है तो पूछ देता है, ठीक है ना, उसी का डेट फॉर्मेट ही चेंज कर देते तो हो जाता हाँ ऊपर ही। नहीं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये साबित करना था कि 44020 एक नंबर डेज है, वरना इसको कोई हर कोई इसको कोड समझ लेगा कि डेट की कोड है, हालांकि कोड नहीं है। और मैं कई सालों तक मैं खुद इस चीज को जानता था कि कोड है, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी एक दिन ऐसे बैठा हुआ था और पूरा इसका फॉर्मेटिंग का पूरा इसका आर्टिकल को पढ़ा तो पता चला मुझे कि नहीं नहीं ये नंबर ऑफ डेज है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर इसकी जानकारी आपके पास है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया, तो सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि हाँ इसके पास नॉलेज डीप में है, क्योंकि ऐसी चीजें हर किसी को पता नहीं होती, उन्हीं को पता होती है जो एक्सपर्ट होते हैं, और जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट को ही पता होते हैं, अब आप जैसे लोग भी तो पता होंगे जो एक्सपर्ट बनने वाले हैं। मजाक कर रहा था। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों, वो सिंपल लग सकता था क्या, ये भी सोचने वाली बात है ना, कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना सर, कभी भी कुछ नहीं, नहीं वो हमने हमने बोला कि नंबर ऑफ डेज के संदर्भ क्यों किया, वो नॉर्मल लग जाता जैसे वर्ड में है क्या। तो नाउ प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल में आप किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ध्यान से देखिएगा, बट हम डेट में किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन हुआ वो डेट में नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई कैलकुलेशन होता है आपके सेल के ओरिजिनल वैल्यू पे होता है,
1 January 2010 जो है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है. ओरिजिनल वैल्यू कौन है? 40179. समझ गया? तो जो कैलकुलेशन हुआ वो 40179 पे हुआ और जो रिजल्ट आया 40199 हुआ. तो प्रोग्रामर ने इस तरह की डेट का फॉर्मेटिंग और डेट का सिस्टम तैयार इसलिए किया ताकि एक्सेल में डेट की कैलकुलेशन की जा सके. समझ गया सर? यस सर, परफेक्ट. हाँ, तो इस तरह के डीप में जानना जरूरी होता है ताकि अब जैसे इस कैलकुलेशन के आप जान गए तो इन फ्यूचर में डेट की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं आप. तो जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू करते समय क्या होता है? पेस्ट एज ए वैल्यू करते समय होता है कि रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए पेस्ट एज ए वैल्यू उसको रिमूव कर देता है. बट मुझे डेट की फॉर्मेट चाहिए, बाकी सारे चीज को रिमूव कर देना है. तो उसके लिए यहां हमारे सामने आता है फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट. इसको सिलेक्ट कीजिए, एलोके कीजिए, तो यहां पे आपकी बाकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, फॉर्मूला रिमूव हो जाएगी. कौन सा आएगा? आपका नंबर फॉर्मेट. नंबर फॉर्मेट में क्या होता है? नंबर फॉर्मेट होता है डेट की, टाइम की, परसेंटेज की, नंबर की फॉर्मेटिंग. तो ये फॉर्मेट सारे रहेंगे, बाकी सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा. समझ गए? तो डाउट इसमें? नो सर. चलिए आगे बढ़े. उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है. अगर हम 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20, बट हमारे पास यहाँ पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन है ऑपरेशन का. ऑपरेशन में अगर हमने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे 20 30 को रिप्लेस नहीं करेगा, 30 को रिप्लेस नहीं करेगा. इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट जो 50 आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ आ जाएगा. मैं दोबारा बताता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है. अब मैं इसको कॉपी किया, इसके ऊपर गया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट होगा यहाँ पेस्ट होगा. मतलब कि ऑपरेशंस के अंदर में अगर किसी कैलकुलेशन को सिलेक्ट करते हैं तो जहां से कॉपी होता है और जहां पे पेस्ट होता है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रिजल्ट पेस्ट करता है, बट सिर्फ टेक्स्ट पे, नंबर पे. टेक्स्ट अगर हुआ तो फिर एरर आ जाएगा. समझे सर? हेलो. हाँ सर, लेकिन इसमें लेकिन जो अभी पेस्ट स्पेशल जैसे हमने किया है ऐड या मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें फिर ये जो नंबर आया है, जो एंड रिजल्ट आया है, तो ये के ऊपर वो हमारा जो फॉर्मूला है उसको उसको नहीं दिखाएगा, राइट? नहीं, वो तो जस्ट मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पेस्ट कर देगा ना. बस एज इट इज रिजल्ट पेस्ट करेगा, फॉर्मूला जो हिडन है वो नहीं दिखाएगा. फॉर्मूला तो डालेगा ही नहीं सर. ओके, समझ गया? ए ऑप्शन समझ में आ गया सबको? यस यस यस. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अब आपको इस पे रिसर्च करने हैं और मुझे आपको बताने हैं कि ऑफिस में आप इसका यूज क्या करोगे. एक यूज ऐसा यूज जिससे हमारा टाइम बच सके. ठीक है सर, संजय जी? संजय जी मेरे चले गए क्या? शुभम सिंह जी आपको भी इंक्लूडेड है. तो आप सभी को हम कहते हैं कि प्लीज आप मुझे इसका एक यूज बताएं ऑफिशियली, और कल हम बात करेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल की. ओके ओके. प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा. अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, कल हम बात कर लेंगे. ओके सर. Okay, bye. Good night. Good night. Thank you.